एक्सप्लोरर्स एंड ट्रैवलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताने वाली हूँ रिगार्डिंग अफगानिस्तान कंट्री, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, कंट्री की क्या स्पेशलिटी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में मालूम पड़े। ये एक इस्लामिक रिपब्लिक कंट्री है। इसका जो अफगानिस्तान का जो पुराना एंशंट नेम है वो नेम है गंधारा। ये 41 लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। हेलो को बोला जाता है अफगानिस्तान में सलाम, और सलाम वालेकुम इसका मतलब होता है पीस बी अपॉन यू। अफगानिस्तान का झंडा 3 बराबर हिस्सों में बांटा गया है जिसका कलर है काला, लाल और हरा। सेंटर में नेशनल एम्बलम को लोकेट किया गया है। अफगानिस्तान कंट्री का कैपिटल है काबुल। अफगानिस्तान की करेंसी है अफगानी। एक अफगान अफगानी बराबर होती है 1.14 इंडियन रुपी के। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अफगानिस्तान है दारी, जिसे अफगान पर्शियन लैंग्वेज भी बोला जाता है। दूसरी है पाश्तो। अफगानिस्तान वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ओपियम। पैसे किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। पहले तो बर्ड्स को साइड से कट किया जाता है नुकीली चीज़ से ताकि उसका अंदर से मिल्क निकलना शुरू हो। जैसे ही मिल्क निकलता है वो सूख सूख के ब्राउन हो जाता है तो ये ओपियम बन जाता है। फिर इसको इस तरीके से कलेक्ट किया जाता है ओपियम को और इसे स्टोर किया जाता है। अफगानिस्तान रिमेन्स वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। अफगानिस्तान के लोग मोस्टली क्या खाना पसंद करते हैं? मीट। मीट में क्या क्या इंक्लूड होता है? लैम्ब, मटन एंड बीफ। काफ़ी लोग अफगानिस्तान विजिट करना चाहते होंगे तो गाइस ये डिटेल ज़रूर पढ़े कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, किडनैपिंग होती है और बहुत सारे अनवांटेड एक्टिविटीज़ यूजुअली परफॉर्म होती है और वो अरेस्ट भी नहीं किया जाता है उनको। वहाँ पर क्राइम रेट ज़्यादा है तो प्लीज़ अवॉइड करें ट्रैवल करना, अभी सेफ नहीं है वहाँ पर। मिरवेज़ अजीज़ी रिचेस्ट पर्सन है अफगानिस्तान के। चलो तो बात करते हैं ट्रेडिशनल अफगान आउटफिट्स की, जिनका स्टाइल होता था लॉन्ग स्लीव ड्रेसेस विथ फुल स्कर्ट जिसको बोला जाता था कमीज, और फिराक। लूज ट्राउजर्स होती थी जिनको बोला जाता था पार्टक। तालिबान के आने के बाद फैशन स्टाइल पूरा चेंज हो गया था वुमेंस का, तो अब वुमेंस पहनती है हिजाब और चादर जो कि मैंडेटरी है अफगानिस्तान में। कुछ वुमेंस चादरी भी पहनती है जिसे बुरखा बोला जाता है। अफगानिस्तान के मेंस की जो यूनिफॉर्म रहती है वो होता है ट्यूनिक शर्ट एंड पैंट। इसका मतलब होता है सेम ही कपड़े का शर्ट और सेम ही कपड़े का पैंट। हेड कवरिंग के लिए वो टर्बाइन यूज़ करते हैं, चाहे तो वो पहन सकते हैं नहीं चाहे तो कोई बात नहीं। इस ड्रेस को फरहान तुनबन के नाम से जाना जाता है। अफगानिस्तान का नेशनल एनिमल है स्नो लेपर्ड। अफगानिस्तान का नेशनल डॉग है अफगान हाउंड। अफगानिस्तान का नेशनल फूल है ट्यूलिप। अफगानिस्तान की नेशनल ट्री है अफगान पाइन। अफगानिस्तान का नेशनल स्पोर्ट्स है बुजकाशी। अफगानिस्तान का नेशनल फ्रूट है पॉमीग्रेनेट।
अफगानिस्तान का नेशनल डांस है पतंग। अफगानिस्तान का नेशनल डिश है काबुली पुलाव। मोस्ट फेमस थिंग इन अफगानिस्तान इज मज़ार-ए-शरीफ। Serves as major tourist destination and attract visitors from all over the world. One main attraction hai Blue Mosque, stunning example of Islamic architecture and considered one of the most beautiful mosque in the world. देख सकते हैं कि इसके ऊपर जैसे ही सूरज की किरणें पड़ती है तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। आपको ये और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है जब इसमें लाइट जलाई जाती है। ये प्रॉपर ब्लू मॉस्को दिखता है आपको। जलालाबाद सिटी को कंसीडर किया जाता है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन अफगानिस्तान। जलालाबाद में तिराई लैंग्वेज बोली जाती है और पाश्तो भी बोली जाती है। जलालाबाद का एंशंट नेम है अदीनापुर। अब मैं आपको उन जगहों के बारे में बताऊंगी जो कि ट्रैवलर्स की फेवरेट हैं। तो सबसे पहले हम बामियान वैली की बात करेंगे। बामियान वैली में आपको खूबसूरत लैंडस्केप एंड हाई माउंटेंस देखने को मिलेंगे। बामियान वैली फेमस है फॉर शाइनिंग लाइट्स एंड वैली ऑफ गॉड्स। वहाँ पर आपको बहुत सारे बुद्धास के स्टैचू मिलेंगे। इसको वन ऑफ द पुअरेस्ट एरिया ऑफ अफगानिस्तान भी बोला जाता है। 62 फुट लॉन्ग आपको रिक्लाइनिंग बुद्धा का स्टैचू मिलेगा एंड आपको सेवरल केव्स मिलेंगे विथ मुरल्स। नाइट व्यू में ये और भी खूबसूरत लगता है बिकॉज इसमें लाइट लगाई गई है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ बाबुर टूम के बारे में। ये काबुल में है। मुगल एम्परर बाबुर की डेथ हुई थी आगरा में ओवर ड्रिंकिंग की वजह से और उनको बरी किया गया था बागे बाबुर गार्डन में, जो कि इसी टूम्ब में एक गार्डन है वहाँ पर। बाबुर टूम्ब ओरिजिनली सराउंडेड बाय अ स्क्रीन ऑफ वाइट मार्बल। अंदर का व्यू बहुत अच्छा है। जब आप अंदर जाएंगे तो आपको गार्डन्स मिलेंगे। इनका नाम है बाबुर गार्डन। अब मैं आपको बताने वाली हूँ बंदे ई आमिर नेशनल पार्क के बारे में। बंदे ई आमिर इज अ चेन ऑफ सिक्स लेक्स इन द माउंटेनियस डेजर्ट ऑफ सेंट्रल अफगानिस्तान। द कलर ऑफ द लेक इज़ प्योर ब्लू रिच इन मिनरल्स। बंदे ई आमिर मीन्स कमांडर्स डैम। ये काफ़ी अच्छी टूरिस्ट अट्रैक्टिव प्लेस है जहाँ पे सभी लोग बोटिंग करने के लिए आते हैं इन दिस ब्लू ब्यूटिफुल लेक। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लेक है ये, एकदम ब्लू कलर की क्रिस्टल क्लियर वाटर। वैसे ही आप इसके आसमान को भी देखोगे तो बहुत खूबसूरत दिखता है, बहुत सारे चारों तरफ बादल और ब्लू आसमान। विंटर में तो ये प्लेस और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। जो भी पानी आप देखते हैं डैम से गिर रहा है वो सारा धीमे धीमे जम जाता है, बर्फ़ बन जाती है और पूरा डैम बर्फ़ से ढक जाता है। पूरी लेक जो है बर्फ़ से जम जाती है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे स्की करने के लिए आते हैं।
अब मैं आपको बताने वाली हूँ क्वारगा लेक के बारे में। अगर आप टॉप से व्यू देखेंगे तो बहुत सुंदर व्यू दिखता है इस लेक का। क्वारगा एक डैम है, टूरिस्ट अट्रैक्टिव प्लेस है बिकॉज यहाँ पे बोटिंग, सर्फिंग, गोल्फिंग एंड बहुत कुछ कर सकते हैं आप। वेरी पॉपुलर डेस्टिनेशन प्लेस है पिकनिक के लिए यहाँ के लोगों के लिए। बोटिंग में आप दूसरी डेस्टिनेशन पर पहुँचते हो जहाँ पे एम्यूज़मेंट पार्क है, बहुत सारे झूले, फूड स्टॉल्स और काफ़ी सारी चीज़ें हैं वहाँ पे इंजॉय करने के लिए। आपको हैंडमेड आर्ट एंड क्राफ्ट की भी चीज़ें मिलेगी। विंटर के टाइम पर ये लेक भी जो है जम जाती है, जमने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे लोग, टूरिस्ट लोग घूमने के लिए आते हैं, स्की करने के लिए आते हैं, इंजॉय करते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ पंजशीर माउंटेन्स के बारे में। पंजशीर फेमस है सिल्वर माइनिंग एंड सेफरेट्स के लिए। यहाँ पे आपको बहुत सुंदर माउंटेन्स देखने का मौका मिलेगा, ग्रीनरीज देखने का मौका मिलेगा माउंटेन्स के ऊपर, और यहाँ पे स्टीप माउंटेन्स होते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ फ्राइडे मॉस्क्यू के बारे में। बहुत बड़ा मॉस्क्यू है, बहुत खूबसूरत मॉस्क्यू है, और जब इस पर सूरज की किरणें गिरती है तो तब ये और खूबसूरत लगता है बिकॉज इसके ऊपर जो गोल्डन कलर से डिज़ाइन करी गई है वो चमकती है। 800 साल पुराना है ये मॉस्क्यू, वन ऑफ द फाइनेस्ट इस्लामिक बिल्डिंग भी बोला जाता है इसको। शोकेस करता है ये आर्ट ऑफ टाइल मोज़ेक। अर्ली मॉर्निंग बेस्ट टाइम है अगर आप वहाँ पर जाते हो टू कैच द लाइट ऑन द टाइल्स। फ्राइडे मॉस्क्यू का दूसरा नाम है जामी मस्जिद। अब मैं आपको बताने वाली हूँ काबुल म्यूज़ियम के बारे में। काबुल म्यूज़ियम इज़ द नेशनल म्यूज़ियम ऑफ अफ़गानिस्तान। इट वॉज वंस कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूज़ियम। इट हाउसेज अ वाइड वेराइटी ऑफ आर्कियोलॉजिकल एंड आर्टिस्टिक आइटम्स रिप्रेजेंटिंग ऑफ अफ़गानिस्तान रिच एंड वेरीड पास्ट। दे हैव अ लॉट ऑफ एंटीक्स देयर। बताने जा रही हूँ ख्वाजा अब्दुल अल्लाह अंसारी शिरने। इसको शिरने एट गाजुर्गा और जस्ट गाजुर्गा भी बोला जाता है। ये लोकेटेड है विलेज ऑफ गाजुर्गा, हीरत ऑफ अफगानिस्तान में, टूम्ब ऑफ द 11th सेंचुरी। अच्छा एग्जांपल है इस्लामिक टाइल वर्क का। ऑल्दो द साइट हैज़ नॉट बीन रिसेंटली रिस्टोर्ड, ये तीर्थ यात्रा स्थान के नाम से भी बड़ा पॉपुलर है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ दारुल अमन पैलेस के बारे में। ये 3-story टॉल पैलेस है, लोकेटेड है इन दारुल अमन। सराउंडिंग द पैलेस द फॉलोइंग बिल्डिंग्स आर द नेशनल असेंबली, द नेशनल म्यूजियम ऑफ अफगानिस्तान एंड द अफगान इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। दारुल अमन का मतलब होता है वुमेन्स शेल्टर होम्स इन पाकिस्तान। दारुल अमन डिज़ाइन किया गया था सोशल वेलफेयर के लिए। डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश्ड इन ऑल 8 डिविजनल हेडक्वार्टर्स टू गिव शेल्टर टू द वुमेन विक्टिम्स ऑफ वायलेंस। अब मैं आपको बताने वाली हूँ क्रिश्चियन सेमेट्री के बारे में, जिसको ब्रिटिश सेमेट्री भी बोला जाता है। सिंस दे वर द फर्स्ट टू हैव वॉर एंड द ब्रिटिश एम्बेसी स्टिल पेज फॉर द अपकीप ऑफ द सेमेट्री, अ प्लेस वन मस्ट विजिट इवन इफ फॉर अ शॉर्ट पीरियड। सेमेट्री ज़्यादा बड़ी नहीं है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ हीरत सिटाडेल के बारे में, ऑल्सो नोन एज द सिटाडेल ऑफ अलेक्जेंड्रा, लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ हीरत इन अफगानिस्तान। हीरत सक्सेसेस एंड सेटबैक विद इट्स इम्पोजिंग गेज फॉर सेंचुरीज। द ओल्डेस्ट बिल्डिंग इन द हीरत, अ फोर्ट बिल्ट बाय अलेक्जेंड्रा द ग्रेट। हीरत सिटाडेल इज ओल्ड अराउंड 330 BC। बहुत अच्छा एंड खूबसूरत गढ़ है इन द हार्ट ऑफ हीरत सिटी। ये वॉर में पूरा टूट गया था, इसे वापस रीबिल्ड किया गया है। अब मैं
मैं आपको बताने वाली हूँ गौहर शद मदरसा एंड मसोलियम के बारे में। इसको टुम ऑफ बाइसुंगुर भी बोला जाता है। ये लोकेटेड है हेरत अफगानिस्तान में। बिल्ट किया गया था 15th सेंचुरी में। स्ट्रक्चर सर्व्ड एज ए रॉयल टुम फॉर मेंबर्स ऑफ द तिमुरिद डायनेस्टी। इन समर इट्स क्वाइट डस्टी एंड हॉट बट हैव नाइस गार्डन। द फर्स्ट वेनसडे ऑफ द ईयर दिस गार्डन इज यूज बाई वुमेन एंड एंटरिंग मैन इज फॉरबिडन। अब मैं आपको बताने वाली हूँ ग्रीन मॉस्क्यू के बारे में। ये लोकेटेड है इन बल्क अफगानिस्तान। ड्यू टू द ब्रिलियंट कलर्स ऑफ इट्स टाइल्ड एंड पेंटेड डोम द इंट्रिकेटली डेकोरेटेड बिल्डिंग डेट्स टू द 16th सेंचुरी। ऑल्सो नोन बाय मस्जिद ई सब्ज। अब मैं आपको बताने वाली हूँ शहर ज़हक रेड सिटी के बारे में। यहाँ पे दारी लैंग्वेज बोली जाती है। दिस सिटी ऑल्सो नोन एज द रेड सिटी। इट इज़ एन हिस्टोरिक सिटी रुइंस इन बामियान। द फोर्ट्रेस वॉज प्रोटेक्टेड बाय रैमपार्ट्स बिल्ट अलोंग द स्टेप क्लिफ्स बाउंडिंग द साइट विच वर इक्विप्ड विद सेवरल वॉच टॉवर्स सम ऑफ विच स्टिल स्टैंड टूडे। द आर्किटेक्चर इज ब्यूटिफुल एंड द व्यूज आर अनबिलीवेबल। मैं आपको बताने वाली हूँ शाही दो शमशीरा मॉस्क्यू के बारे में। इसका मतलब होता है मॉस्क्यू ऑफ द किंग ऑफ टू स्वॉर्ड्स। वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉस्क्यू है इन काबुल सिटी। डिस्टिंक्टिव इटालियनेट आर्किटेक्चर स्टैंड्स आउट अगेंस्ट काबुल स्काईलाइन। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वन ऑफ द ग्रेट मॉस्क्यू कोसिट मॉस्क्यू के बारे में। लार्जेस्ट मॉस्क्यू इन द सिटी ऑफ कोसिट। द ब्यूटी ऑफ कोसिट मॉस्क्यू एंड एक्सक्यूसिट एग्जांपल ऑफ अफगान इस्लामिक आर्किटेक्चर। आपको बताने वाली हूँ मिनरेट ऑफ चैम के बारे में। वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन वेस्टर्न अफगानिस्तान। द 65 मीटर टॉल मिनरेट ऑफ चैम इज अ ग्रेसफुल सोवरिंग स्ट्रक्चर डेटिंग बैक टू द 12th सेंचुरी। द आर्कियोलॉजिकल लैंडस्केप अराउंड चैम इंक्लूड्स द रुइंस ऑफ अ पैलेस फोर्टिफिकेशन अ पोट्री क्लिन एंड अ जविश सेमेट्री एंड हैज बीन सजेस्टेड टू बी द रिमेन ऑफ द लॉस्ट सिटी ऑफ टर्कोइस माउंटेन। अब मैं आपको बताने वाली हूँ ज़ियारत ई सखी के बारे में। ये काबुल में है। वेरी वेल मेंटेन किया गया है इसको। वेरी इम्प्रेसिव डिलिंग। बिजी एरिया रहता है फ्राइडेज पर। लैंग्वेज जो वहाँ पर बोली जाती है वो है पास्तो एंड दारी। अब मैं आपको बताने वाली हूँ पुल ई खेस्ती मॉस्क्यू के बारे में। लार्जेस्ट मॉस्क्यू इन काबुल अफगानिस्तान। कैन बी आइडेंटिफाई बाय इट्स लार्ज ब्लू डोम। द मॉस्क्यू ओरिजिनली वॉज इरेक्टेड इन द लेट 18th सेंचुरी बट इसको रीबिल्ड किया गया था अंडर जहीद शाह इन लेट 1960s। अब मैं आपको बताने वाली हूँ मलान ब्रिज के बारे में, जिसको पुल आई मलान भी बोला जाता है। ये बिल्ड किया गया था अराउंड 1110 AD। मैं आपको बताने वाली हूँ काबुल नेशनल स्टेडियम के बारे में। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम इज अ रिमार्केबल लैंडमार्क इन द हार्ट ऑफ काबुल अफगानिस्तान। एज वन ऑफ द प्रीमियर क्रिकेट स्टेडियम इन द कंट्री इट हैज विटनेस्ड न्यूमरस थ्रिलिंग मैचेस एंड होस्टेड प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स। अब मैं आपको बताने वाली हूँ बीबी महरू हिल के बारे में। इट इज अ स्मॉल हिल शो स्टनिंग व्यू ऑफ द सिटी। The garden at the top also has a lot of benches to sit and admire the city views or nature. क्या कोई फ्लाइट है इंडिया टू अफगानिस्तान के लिए? Yes, direct flight है from India to Afghanistan. 9 hours 33 minutes लगेंगे। Popular route जो है time save करने के लिए वो है New Delhi वाला route, New Delhi to Kabul। यहाँ पे आपको 2 hours लगेंगे। Largest airline in Afghanistan is Ariana Afghan Airlines, founded in 1955.
ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज इन अफगानिस्तान। रोड ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं ट्रैवल करने के लिए इन अफगानिस्तान में। लो कम्फर्ट होता है बस में बिकॉज ओवर क्राउडेड बस होती है एंड स्लो स्पीड होती है। इट हैज़ अनऑर्गेनाइज सिटी स्टेशन। क्या वीज़ा रिक्वायर्ड है टू विजिट अफगानिस्तान? येस, टूरिस्ट वीज़ा एंड पासपोर्ट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ इंटरनेशनल ट्रैवल्स इशूड बाई गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री टू वेरीफाई आइडेंटिटी एंड नेशनैलिटी ऑफ द कैंडिडेट। मैं आपको बताने वाली हूँ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन अफगानिस्तान। ईद उल फितर सेलिब्रेटेड एट द एंड ऑफ रमादान। इस फेस्टिवल में लोग इकट्ठा होते हैं मॉस्क्यूज में एंड प्रे करते हैं, उसके बाद इंजॉय करते हैं फूड को विद रिलेटिव फैमिलीज एंड फ्रेंड्स। आशुरा सेलिब्रेटेड इन द फर्स्ट मोस्ट ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, सेलिब्रेटेड एज मेजर हॉलीडे इन होल कंट्री। रमदान इज होली मंथ इन द इस्लामिक कल्चर। ड्यूरिंग रमदान सारे वर्ल्ड के मुस्लिम फास्टिंग करते हैं पूरे दिन इन ऑर्डर टू फील क्लोजर टू गॉड। अफगान इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेशन ऑफ प्राइड इन अफगानिस्तान ग्लोरियस पास्ट, नेशनल हॉलीडे थ्रू आउट द कंट्री, सेलिब्रेटेड ऑन अगस्त 19 ईच ईयर। ईदी कुर्बान पब्लिक हॉलीडे थ्रू आउट द कंट्री, सेलिब्रेशंस आर ट्रेडिशनली मार्क्ड बाय द स्लॉटर ऑफ एन एनिमल विच अफगान कुक एंड शेयर अमॉन्ग फैमिली मेम्बर्स ड्यूरिंग इवनिंग फीस्ट एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूट फूड अमॉन्ग द पुअर। लेबर डे हेल्ड ऑन मे 1 एवरी ईयर इन अफगानिस्तान। लेबर डे commemorates the achievements of the country labor movement. Nowruz is a traditional Afghan springtime celebration. Nowruz means new day. Nowruz symbolizes new life, beginnings and rebirth of nature. Nowruz is the first day of spring and celebrated on March 21st. Mujahideen Victory Day, a political holiday in Afghanistan, celebrated on 28th April every year. Arafat Day, another public holiday in Afghanistan. Schools and most businesses are closed. Most famous person in Afghanistan. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।